मिका दी वोटिस शो में आखिरकार मिका का मकसद पूरा हो गया है। 2 महीने पहले शुरू हुए इस शो में मिका ने कई लड़कियों को परखा, देखा, जांचा और फिर फाइनली आकांक्षा पुरी को मिका ने अपना हमसफर चुन लिया है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आकांक्षा पुरी और मिका सिंह की संगीत और मेहंदी सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इस दौरान आकांक्षा पुरी ने मिका सिंह के नाम की मेहंदी लगवाई थी, जिसके बाद आकांक्षा पुरी ने मिका सिंह के साथ संगीत सेरेमनी में ठुमके लगाए। दोनों एक तो हो गए, लेकिन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। मिका का मानना है कि वो अभी आकांक्षा पुरी के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आकांक्षा सिंह स्टार्टिंग से शो में नहीं थी, उनकी तो वाइट कार्ड से एंट्री भी थी और फाइनल में उनके साथ 2 और कन्याएं थी, यानी प्रांतिका दास और नीति महल। लेकिन मीना ने आकांक्षा को ही बेहतर समझा और उन्हें हमसफर बना लिया। वैसे कई लोगों को तो ये जोड़ी पसंद आ रही है, लेकिन कई तो मिका को खूब ट्रॉल भी कर रहे हैं। बात यह है कि मिका और आकांक्षा वैसे भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों 10-12 सालों से दोस्त भी हैं, तो कई फैंस को ये बात पची नहीं रही है कि एक तो आकांक्षा सिंह ऊपर से वाइल्ड कार्ड एंट्री और शो भी जीत गई, मतलब मिका का दिल भी जीत गई, और कईयों को तो ये पहले से ही फिक्स लगता है। कई तो कह रहे हैं कि दोनों की जोड़ी किसी भी एंगल से कपल जैसी नहीं लग रही है। आकांक्षा और मिका की हाइट पर भी कई लोगों ने तंज कसा है। बाकी दोस्तों आपको इस शो को देखकर क्या लगता है, क्या ये शो रियल है या फिर ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब किया गया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।